नमस्कार। आज हम लोग बात कर रहे हैं फिर से झारखंड का जो जीके का हमारा सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड मॉडर्न हिस्ट्री की। और इसमें हम लोग झारखंड का जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसको देख रहे हैं, जो कि जेपीएससी या फिर जेएसएससी दोनों के लिए ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चंस लगातार बनते आ रहे हैं। तो आज हम लोग जिसको देखने वाले हैं, छोटा ही टॉपिक है और ये है साइमन कमीशन, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से साइमन कमीशन क्यों आता है भारत में, और इसके अलावा झारखंड में इसका किस प्रकार से प्रसार होता है। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रही है तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी कमेंट्स वगैरह करके भी आप बता सकते हैं कि आपको चीज़ें कैसी लग रही हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं साइमन कमीशन की, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि 1919 में आप देखेंगे कि एक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आता है, सुधार आता है, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ठीक है। तो ये जब आता है 1919 का ये एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार इसको कह दिया जाता है। तो ये जब आता है तो इसका टाइम पीरियड रहता है 10 ईयर्स, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है अंग्रेज़ों के द्वारा कि 10 साल 10 ईयर के बाद, यानी सॉरी 10 साल के बाद इसको क्या किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, इसके बारे में पता लगाया जाएगा कि ये कितना कारगर रहा। क्योंकि 1919 का जो एक्ट था इसमें कई सारे बदलाव लाए गए थे, बड़े स्तर पर बदलाव लाए गए थे, तो इसी वजह से इनको 10 साल में रिव्यू किया जाना था कि किस प्रकार से भारतीय क्षेत्रों में ये लागू हुआ है और इससे क्या प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो इसी चीज़ को लागू करने के लिए क्या करती है अंग्रेजी सरकार कि 1927 में ही एक कमीशन की स्थापना कर देती है और उसी का नाम है साइमन कमीशन, ठीक है। तो वही है साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन जो है 1927 में बन जाता है और ये साइमन जो है इसमें हेड रहते हैं और इसमें कुल मिला के 7 लोग जो रहते हैं वो मेंबर रहते हैं। अब 7 लोग मेंबर रहते हैं लेकिन इसमें से सभी के सभी क्या रहते हैं, अंग्रेज रहते हैं, अंग्रेज। तो इसी वजह से इस आंदोलन को का बहिष्कार होता है और इसको क्या कह दिया जाता है, तो वाइट मैन कमीशन कह दिया जाता है, क्योंकि सभी के सभी अंग्रेज हैं, तो समझ रहे होंगे आप, वाइट मैन कमीशन इसको कह दिया जाता है। अब सवाल ये है कि बहिष्कार क्यों किया जाता है। तो देखिए, बहिष्कार करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप भारत में आ रहे हैं और भारत में लागू कानूनों के बारे में जाँच करने आ रहे हैं और उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। यानी भारत में किस प्रकार की स्थिति है इसको कौन समझ सकता है सबसे बेहतर, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे बेहतर जो समझेगा वो भारतीय समझेगा। इसी वजह से इसमें 7 में से कम से कम 2 या 3 मेंबर भारतीय तो होने ही चाहिए, यही मांगे थी, और साइमन कमीशन में इस मांग को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से आप देखेंगे कि साइमन गो बैक के यहाँ पे नारे लगते हैं। इसके अलावा देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडियन अनइनवाइटेड गेस्ट, ठीक है, हमने आपको इनवाइट नहीं किया है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और बन जाता है कि ये साइमन गो बैक का नारा जो है ये किसने दिया था। तो याद रखिएगा, इनका नाम है यूसुफ मेहर अली, इन्होंने ही इस नारे को लिखा था जो कि उस समय में काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ था। तो साइमन गो बैक का नारा किसका है, यूसुफ मेहर अली का नारा। इसके अलावा अगर हम साइमन में बात करें तो 1928 में साइमन कमीशन जो है भारत के क्षेत्रों में पहुँचता है और ये आप देखेंगे कि दिसंबर 1928 में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 24 दिसंबर 1928 में साइमन कमीशन जो है ये रांची पहुँचता है, ठीक है, रांची। अब जब रांची पहुँचता है तो रांची में इसका बहिष्कार किया जाता है और बहिष्कार करने वालों में या फिर विरोध प्रस्ताव पारित करने वालों में सबसे इम्पोर्टेंट नाम है श्याम कृष्ण सहाय का, ठीक है, याद रखिए श्याम कृष्ण सहाय। इनके द्वारा इन्हीं की अध्यक्षता में क्या किया जाता है, विरोध प्रकट किया जाता है या विरोध प्रस्ताव लाया जाता है। कहा जाता है कि भाई साइमन कमीशन गो बैक, हमें आपकी बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो रांची में काफ़ी बड़े मात्रा में इसका विरोध होता है, ठीक है, रांची के क्षेत्र में, चूँकि ये रांची ही आता है तो रांची में विरोध होता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्हीं के नेतृत्व में, यानी श्याम कृष्ण सहाय के नेतृत्व में साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। कहाँ पर, तो रांची के क्षेत्र में लोग रोड पर धरने के रूप में बैठ जाते हैं और यहाँ से इसको भगाने का पूरा प्रयास करते हैं। इसी समय में एक और नाम है, पलामू के क्षेत्र में है और इनका नाम है कोहड़ा पांडे, ठीक है, तो याद रखिएगा पलामू के क्षेत्र में एक नाम है कोहड़ा पांडे। और कोहड़ा पांडे क्या करते हैं कि ये भी साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाते हैं। कहाँ पर, तो रांची में, क्योंकि ये रहते हैं पलामू के लेकिन आ जाते हैं साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए रांची में, और यहीं पे ये नारा लगाते हैं या फिर
इन क्रांतिकारियों के साथ, इन आंदोलनकारियों के साथ ये पार्टिसिपेट करते हैं। उसी प्रकार से आप आगे देखेंगे कि हजारीबाग में दो लोग हैं, हजारीबाग क्योंकि रांची से पास ही है हजारीबाग, तो यहाँ पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पर दो लोग रहते हैं, एक हैं देवकी नंदन लाल और एक नाम है पीसी मित्रा। तो ये दो नाम भी इम्पोर्टेंट है। और ये लोग हजारीबाग के क्षेत्र में क्या करते हैं, तो साइमन गो बैक साइमन कमीशन को काला झंडा दिखाते हैं और इसको यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो हजारीबाग के क्षेत्र में दो लोग एक्टिव हैं, कौन कौन हैं, तो देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा। यहीं पे एक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 1928 में ही जो छोटा नागपुर उन्नति समाज है, ये एक ऐसा कारनामा करता है जो काफ़ी ज़्यादा इतिहास में दर्ज हो जाता है या इम्पोर्टेंट घटना मानी जाती है। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज ये एक संगठन रहता है, ये क्या करता है कि छोटा नागपुर राज्य के गठन को लेकर साइमन कमीशन को एक मांग पत्र दे देता है। ठीक है, तो साइमन कमीशन से मांग करता है, क्या मांग करता है, तो ये कहता है कि भाई छोटा नागपुर को अलग किया जाए। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर राज्य का गठन किया जाए या अलग किया जाए, इसका मांग पत्र कौन देता है, तो ये करता है छोटा नागपुर उन्नति समाज। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब फिर साइमन कमीशन क्या होता है, 1928 में जब बहुत ज़्यादा बहिष्कार होता है तो ये भारत से चला जाता है। और भारत से जब जाता है तो इसी को लेकर आगे इसी की रिपोर्टों पर इसकी रिपोर्ट आती है 1930 में। तो ध्यान रखिएगा, इसकी रिपोर्ट आती है 1930 में और इसी रिपोर्ट पर बहस के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है, जो हम लोग आगे चल के देखते हैं इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में। तो गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाता है और ये कहाँ बुलाया जाता है, ये सारा का सारा लंदन में बुलाया जाता है और इसी रिपोर्ट पर, यानी साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बहस करने के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा यह बात काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर बहस के लिए। और ये आपको कोई भी झारखंड के आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर इतना डिटेल में आपको चीज़ें नहीं बताई जाती हैं। तो अगर आप यहाँ पर हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप लगातार देख रहे हैं, तो आपको इस सेक्शन से आपके क्वेश्चंस गलती होने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। इसके लिए करना क्या होगा आपको कि बार बार रिवीजन करना होगा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो किसी भी एग्ज़ाम के वो क्रैक करने का यही है कि आपको लगातार चीज़ों को रिवाइज़ करना होगा। तो सवाल है कि रिवीजन कैसे कर सकते हैं, तो रिवीजन करने का तरीका ये है कि आप वीडियोज़ को बार बार देखिए, यानी आप टारगेट बना लीजिए कि वीक में एक से दो बार आपको देख लेना है समय निकाल कर, क्योंकि काफ़ी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो है, या आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो याद भी रहें और आपका रिवीजन भी क्विक तरीके से बहुत जल्दी हो जाए। इसके अलावा एग्ज़ाम से पहले भी आप इन वीडियोस को, जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हैं और रिवीजन बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। तो साइमन कमीशन का जो पूरी तरह से जो कहानी है झारखंड के क्षेत्र में, वो यही है जो मैंने आपको बताया। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता मेरे हिसाब से नहीं होगी। हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी पूछ ली जाती है जो जनरली कहीं मेंशन नहीं होती है, लेकिन फिर भी इतना इनफ है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।